कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। किरण गोदारा, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया, उसी प्रेरणा का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं, ये संघर्ष, समर्पण और सपनों की कहानी है। किरण ने अपनी कड़ी मेहनत और सरकारी सहायता जैसे टॉप्स और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से अपने सफर को सफल बनाया है। आइए जानते हैं किरण से उनकी जर्नी और उनकी चुनौतियों के बारे में। मैंने रेसलिंग थोड़ी लेट शुरू की 12th के बाद। उससे पहले यूं था कि स्टडी में आगे निकलना ये था, और मैं मेरे नाना जी के पास स्टडी करती थी गांव कालीरावन। रेसलिंग पसंद थी और मैं इस वजह से यहाँ पे रेसलिंग में आई। 2011 में मेरा जूनियर में पहला मेडल सिल्वर आया, और 2012 में जूनियर एशिया मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। 1.5 साल ट्रेनिंग करते हुए 2013 में मुझे नवंबर दिसंबर में इंजरी हो गई नी में, तो मुझे उसको रिकवर करने में 1.5 साल लग गया। तो मैं 2015 में वापस आई, सीनियर नेशनल में मेरा गोल्ड आया, और फिर उससे लगातार कंटिन्यू मेरे मैं नेशनल में गोल्ड हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल है, और अभी करंट में एशियन गेम्स में मेडल है। गवर्नमेंट की साइड से टॉप्स स्कीम खेलो इंडिया, तो इसने कैसे एक खिलाड़ी के जीवन को प्रभावित किया है, कितना हेल्प करता है? इनसे प्लेयर को काफी सुविधा मिलती है, जैसे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना हो या कोई मेजर कंपटीशन ऊपर हो तो वो फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, फिजियो हो गया, कोच हो गया, ये सब कुछ मुहिम कराते हैं। और खेलो इंडिया में बच्चों को काफी कॉम्पिटिशन मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब मेडलों की शुरुआत हो चुकी है, काफी मेडल आ रहे हैं हर एक गेम्स में, तो उससे और फायदा मिलेगा और मेडल लेके आएंगे। पिछले 10 साल में किस तरह से, चाहे ओवरऑल स्पोर्ट्स की भी बात करें और रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग कितना ऊपर आया? जैसे मेडल बहुत कम थे पहले, इंटरनेशनल होना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर का कंपटीशन मिल रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहे हैं, तो उससे हमारा जैसे जो अंदर का डर है बाहर देख के, तो वो हमारा कम हुआ। और हम बाहर जाके जाते हैं तो एक टूर की नहीं, इंटरनेशनल होने की उम्मीद से नहीं, हम एक मेडल लेने की उम्मीद से जाते हैं कि हम मेडल जरूर लेके आएंगे। तो जीत हार खेलों में लगी है, पर जैसे हम देखते हैं कि टीवी पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं, या तो मिलने जा रहे हैं या तो फोन पे बात कर रहे हैं, तो एक खिलाड़ी का कितना हौसला बढ़ाता है देश का प्रधानमंत्री खुद उनसे बात। जी बिल्कुल, ये तो बहुत खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री उनसे स्पेशल मिल रहे हैं। और मैं भी 2 बार मिल चुकी हूँ, जैसे 2018 मेरा फर्स्ट टाइम था, जैसे ही मेरा मेडल आया तो यूँ था कि पीएम सर से मिलना है, तो मैं बहुत खुशी हुई। कल पीएम सर के साथ प्रोग्राम है, और उन्होंने हमें काफ़ी टाइम दिया और हमसे बातें की, हमारे बारे में पूछा, मेडल की शुभकामनाएं दी, तो उससे यूँ मोटिवेट होता है। फिर हम आए तो सभी ने पीएम से मिलने, तो इतनी खुशी हुई कि हम एक देश के प्रधानमंत्री ने हमें इतना टाइम दिया, और हम इसका मतलब है कि मेडल और गेम हमने चुना है, तो हम आज पीएम के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी जो देश की जितनी भी बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स में आगे जा रही हैं और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप क्या मैसेज दोगे उनसे? मैं यही कहूँगी कि लगातार अपने एम को देखते हुए मेहनत करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, और जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेस आओगे और आगे मेडल भी शोर से लेके आओगे और देश का नाम रोशन करोगे। फ्यूचर की क्या तैयारी है, क्या प्लान्स हैं? अभी 2026 में मैम एशियन गेम्स और ये आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी है ताकि इसमें हम मेडल का रंग बदल सके। अच्छा ठीक है, मैंने हार मान ली है आपसे, क्योंकि जिसका काम उसी को साथ है। तो ये थी किरण गोदारा हमारे साथ, और होप सो अगली बार हम फिर से मिलेंगे, फिर एक इंटरव्यू करेंगे एक और मेडल के साथ, क्योंकि अब मेडल लाने की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि हमारे बस की बात तो नहीं है। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।